हेलो एवरीवन। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड है मेरे पास द हायरोफेंट। यहाँ पे जो कार्ड है ये बता रहा है मुझे आपके पार्टनर जो है किसी से सजेशन लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपको कमिटमेंट देना है इस पर्सन को, शादी के लिए प्रपोजल देना है इस पर्सन को। इसके पर्पज़ में ये किसी अपने गुरुजी से बात कर रहे हैं या किसी अपने जो है अपने फादर से बात करते हुए दिख रहे हैं या फिर किसी ऐसे पर्सन से बात करते हुए दिख रहे हैं जो इनको सही तरीके से समझा सके, सही तरीके से वो रास्ता दिखा सके कि आपसे जो है इनकी शादी कैसे हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में किसी से बातें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, द एम्परर, यहाँ पे ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए चाहते हैं कि ये अपने जो है फीलिंग्स, अपने इमोशंस है ना जो नहीं बताया है अब ये बताएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इस पर्सन का ईगो है, एटीट्यूड है, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन बहुत लॉयल है और इसी वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आगे के कार्ड्स निकालते हैं। ओके, सो पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन अब एक्शन लेना चाहते हैं। ये पर्सन मुझे दिखता है कि ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं और एक्शन लेंगे ये पर्सन। कोई ना कोई इनको डिसीजन लेना पड़ेगा, इनको क्लियरिटी जो है ना यहाँ पे देनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज भी हैं और आपकी पार्टनर थोड़ा सा जो है ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से। ठीक है, कोई भी वजह हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा भी है कि ये आप पार्टनर आपके ये भी सोच रहे हैं कि आपको सोशल मीडिया पे किसी और के नाम के थ्रू या किसी और की आईडी के थ्रू आपसे बात की जाए और बात करके देखा जाए कि हाँ आप क्या रिएक्शन देते हो। ठीक है, सो ये है आपके पार्टनर की थिंकिंग। सो ये रही रीडिंग, बाय बाय।